बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके YouTube चैनल बेसक IT स्कूल में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। यह तमाम पिछले स्कूल में आपको बता चुका हूँ, अगर अगर कोई नया है या कोई किसी से मिस हो चुके हैं तो वो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आकर यह तमाम वीडियोस देख सकता है। आज मैं आपको ट्रांसपेरेंट टूल के मतलब बताने जा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट टूल भी असल में होता गया कि पीछे हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते आए हैं उनको भी हम लाइटली या बोल्डली करके दिखाना होता है। भी लाइटली या बोल्डली करके किस तरह मैं आपको चंद एक ऑब्जेक्ट बना कर दे हम दिखाता हूँ। यहाँ आपने भी ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेना है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ड्रा करना है, ऐसे उनमें कलर कर लेना है। ये देखिए, उसके बाद भी आपने कोई से भी और ऑब्जेक्ट अपने पास से ड्रा करने हैं। मैं एक टेक्स्ट यहाँ पर ड्रा करता हूँ जिसमें अपना नाम लिखता हूँ। ये मैंने अपना नाम लिख लिया है वियर, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, कलर भी कर देता हूँ, ऐसे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए, अब आते हैं ट्रांसपेरेंटी टूल के मतलब वियर। ट्रांसपेरेंट बेसिकली इसका जो लफ्जी मतलब है वो तो ट्रांसपेरेंट ही होता है, शफाफियत। इस पर आना है वियर, आपने ब्लेंड टूल, कॉन्टर, डिस्टॉर्प, इनवेल्प हम पीछे बता चुके हैं, एक्सट्रूड भी। लास्ट हमारा आ रहा है ट्रांसपेरेंटी टूल, इसमें वियर हम क्लिक करेंगे। अब जिसको आप ट्रांसपेरेंट दिखाना चाह रहे हैं वियर, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दिखाना चाह रहा हूँ वियर, इसको आपने ऊपर से क्लिक करना है और नीचे तक आना है वियर। ये देखिए वियर, ऐसे ये एक लाइन सी आपको नीचे तक दिखाई देगी। अगर पूरा ऑब्जेक्ट दिखाना है वियर, ऑब्जेक्ट तक ले आए, अगर ऑब्जेक्ट से आगे तक दिखानी है ट्रांसपेरेंटी तो आगे तक दिखा दें। देखिए आपको ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे से ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा दिखाई देगा, ऊपर से बोल्ड दिखाई देगा, से कलर जो है इसको। यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है वियर, इस लाइन के जरिए हम क्या करेंगे, जब इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ये देखिए वियर, ये ज्यादा बोल्ड होता जाएगा। इसी तरह नीचे की तरफ इसको लाता जाऊंगा, ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। जितना आप करना चाहते हैं वियर उतना करें। उसके बाद वियर इस ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट में अगर आप रखना चाहते हैं तो ऐसे रख भी सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं वियर। ये आपने यहाँ से शुरू होना है, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं वियर, लाजमी नहीं है, आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए, अब इसको ऐसे जितना आप करना चाहते हैं, ये देखिए ये कलर ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे इसके उतने ही। इस तरह ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दें ऐसे इजीली। उसके बाद वियर्स इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज में जब आएंगे तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पर प्रीसेट में सबसे पहले हमारे पास नन है वियर्स, उसके बाद नन में कुछ भी नहीं होगा यानी ये सॉलिड ही रहेगा। उसके बाद यूनिफॉर्म आ रहा है, यूनिफॉर्म में इक्वली ट्रांसपेरेंट होगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद वियर्स हमारे पास लीनियर आ जाएगा, ये लीनियर, लीनियर में ये देखें इस तरह का हमारे पास ट्रांसपेरेंट होगा जिस तरह का आप करना चाहते हैं वियर्स, तरह का कर सकते हैं। उसके बाद वियर्स हमारे पास रेडिकल आ जाएगा, ये रेडिकल, रेडिकल में आपको दिखाई देगा, तो कहीं पर भी वियर्स ऐसे मूव कर सकते हैं जहां पर आप मूव करना चाहते हैं, एक तरह से रेडिकल की तरह शेप आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये क्लिरिकल आ जाएगा, इस तरह स्केयर में आ जाएगा वियर्स, इसी तरह वियर्स हमारा आ जाएगा ये
कलर प्लेटफॉर्म में, ये एक फुटबॉल की शेप में की टाइप नज़र आ रही है हमारे पास। सर आप इसकी शेप को चेंजिंग कर सकते हैं अपने मुताबिक, जिस शेप में भी आप चाहते हैं। यहाँ से ये देखिए, जितनी भी आप शेप चाहते हैं ऐसे। ये इसको आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं ये अपने मुताबिक। ये देखिए ऐसे एडजस्ट करना है आपने। ये देखिए भी आज एक फुटबॉल की शेप आपको नजर आएगी। इसी तरह एक बॉल की शेप भी आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। जितना भी आप इसको करेंगे भी ये आपको डिफरेंट शेप यहाँ पर दिखाता जाएगा। यहाँ से कम ज्यादा इसके होंगे ये पॉइंट, ना कम करना चाहते हैं उतना कम करें। ये देखिए अभी इतना भी कम करेंगे आप, ये एक बॉल की शक्ल आ जाएगी हमारे पास। इस बॉल को कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए अभी एक फुटबॉल सा हमारे पास बन जाएगा, एक बॉल सा हमारे पास आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट आप इसकी स्टाइलिश कर सकते हैं जिस तरह भी करना चाहते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास भी है प्रीसेट भी और पड़े हुए हैं। ये देखिए, अगर आपको इस नक्शा वगैरह बनाना चाहते हैं उसमें भी ये काम आएगा। ऐसे इस तरह मर्जी इनमें कलर कीजिए भी है डिफरेंट। उसके बाद आखिरी हमारा टेक्सचर आ जाएगा टेक्सचर की शेप में। ये देखिए, इसको कम ज्यादा करके आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह भी है, आपने मुख्तलिफ प्रीसेट अप्लाई करने हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन। ऑपरेशन किस टाइप के होने चाहिए, इसमें मुख्तलिफ हमारे पास आ जाएंगे भी है। ये फंक्शन है, जब हम आगे मैं बताऊंगा आपको मुख्तलिफ तरह के हम ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे उसमें ये हमारा ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होगा। इसमें पहला तो नॉर्मल है, नॉर्मल रखना चाहते हैं। अगर कोई ऐड करना चाहते हैं किसी कलर में और दूसरा कलर ऐड करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपको दिखाई देगा, आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए भैया, तो मैं इसे दूसरे कलर में ऐड किया है। एक तरह से हमारे पास सनराइज सा आ गया है, जिस तरह सूरज जो निकलता है यह सनराइज हमारे पास बन गया है। यानी कि एक वाटरमार्क भी ये बन सकता है। किसी कंपनी के अगर लोगो वगैरह बना रहे होते हैं हम, तो इसी तरह भी पिक्चर में हम लगाना चाहते हैं तो लोगो वगैरह भी बना सकते हैं इसी तरह से मुख्तलिफ। तो ये आपने इस तरह मुख्तलिफ इनकी चेंजिंग करनी है भैया। उसके बाद भैया यहाँ पर इसके मुख्तलिफ आ रहे हैं डिफरेंट फंक्शन, ये हम आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद भी है, ये हमारे पास आ रहा है अगर ट्रांसपेरेंटली मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से कितना आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, ये देखिए जितना भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये सॉलिड होता जाएगा ऐसे। ये मैं इधर से भी कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट यहाँ से भी कर सकते हैं आप इजीली। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएंगे हमारे पास एंगल। इसके इस एंगल पर आप इसको एडिट वगैरह करना चाहते हैं, यहाँ पर आप उस एंगल का आपने लिख देना है। ये 270 पर है, मैं यहाँ पर इधर 180 कर देता हूँ। ये देखिए 180 पर हो जाएगा ट्रांसपेरेंटली। इसी तरह 90 डिग्री पर भी है, जिस डिग्री पर अगर आपको चाहिए होगा उस डिग्री पर कर सकते हैं। नीचे वाला भी इस तरह भी है, आपने जो सा एंगल आपको चाहिए होगा। मैं फर्ज करता हूँ यहाँ पर 90 कर देता हूँ,
ये आपको हाफ दिखाई देगा। इस तरह 180 कीजिए भी, जौन सा भी आप करेंगे वो आपको दिखाता जाएगा मुख्तलिफ। इसको दूसरे में ऐड करके भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे कलर को, कि आया हमारा ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हमारे एंगल के बाद आ रहे हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंटी टारगेट। टारगेट से अगर फुल ही ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, फुल से मुराद भी है ये है कि हमारा जो ये इनर पॉइंट है या आउटर पॉइंट है, तमाम का तमाम करना चाहते हैं तो ये तमाम का तमाम आल पर आ जाएगा। ये देखिए आल पर अब आप क्लिक करेंगे तो आल में आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं जिस तरह की मर्जी ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं। उसके बाद भी अगर आप आउटलाइन को ही चाहते हैं, ये देखिए गौर से देखिए, ये सिर्फ आउटलाइन हो गई। अब ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ भैया ऐसे। अब अगर आपको दिखाई दे भैया, ये आउटलाइन आपकी नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ। इसी से मैं अगर आप सिर्फ फिल अंदरूनी तौर पर दिखाऊँ, आउटलाइन आपकी सॉलिड है, अंदरूनी ट्रांसपेरेंट है। एक बार फिर करके दिखाता हूँ भैया आपको। ये देखिए अब आल है, इसमें तमाम का तमाम आउटर और इनर दोनों आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक करूं भैया, ये देखिए आउटलाइन को करूंगा, सिर्फ आउटलाइन होगी, इनर सॉलिड हो जाएगा हमारा। और अगर इनर फिल कर देंगे तो आउटलाइन सॉलिड होगा, इनर हमारा जो है ये कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर आल करेंगे भी आल में दोनों आ जाएंगे हमारे। उसके बाद भी हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है ये कि हम इसको फ्रीज करना चाहते हैं भी ट्रांसपेरेंसी को फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ये फ्रीज हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंसी। इस तरह अनफ्रीज करना चाहते हैं भैया, यहाँ से अनफ्रीज कर दें, यानी आपने किसी कलर को जितना कर लिया है भी उतना फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट भी आ रहा है कॉपी का ट्रांसपेरेंटली। ये हम बार बार करते आ रहे हैं जब हम एक की कॉपी को दूसरे पर अप्लाई करना होता है। फर्ज कीजिए ये वाला हमने सिलेक्ट किया है भी, ये वाला सिलेक्ट किया है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखिए वही तमाम की तमाम माल प्रॉपर्टीज हमारी आ जाएंगी सारी की सारी। इसी तरह भी ये आ जाएगा, मेरा नेम आ जाएगा, नेम को भी मैं इसी तरह भी कॉपी करता हूँ और इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए भी मेरा नेम अप्लाई हो गया है। यहाँ अगर आपको दिखाई दे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए भी आपको नेम मेरा दिखा रहा है ट्रांसपेरेंट, ऊपर से सॉलिड नीचे से ट्रांसपेरेंसी आ रहा है थोड़ा सा। इसको मैं दोबारा से करके तो ये देखिए भैया मेरा नेम ट्रांसपेरेंट हो गया है भैया। इस तरह डिफरेंट आप कर सकते हैं, इनकी कॉपियां भी ले सकते हैं भैया। कॉपी लेने के बार बार तरीके मैं बता रहा हूँ, CTRL D से आप कॉपी लें या माउस से थोड़ा सा ड्रैग करें उसके जरिए से आप कॉपी लें। इसी तरह भैया या लेफ्ट क्लिक करके जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहां पर भी कर सकते हैं। इस तरह भैया आप इसको शेडो भी कर सकते हैं, जितना आप शेडो इसका बनाना चाहते हैं शेडो कर सकते हैं। ये मैं इसका शेडो भी करके दा देता हूँ। ये देखिए ऊपर वाले का आपका शेडो दिखाई देगा ये नीचे। अब इसमें जो आप मैंने अब चुना है अपना नाम वगैरह, इसको किसी में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मैं करके बता देता हूँ। ये देखिए इसको आपने इधर से जितना भी शॉर्ट करना है इसको शॉर्ट करें। और ये एक हमारे पास आ रहा है लास्ट में, मैंने आपको बताया था मैं किसी ऑब्जेक्ट वगैरह में इसे ऐड करके बताऊंगा। अगर आप इसी में भी ये देखें
यानी कि कोई आपकी बुक वगैरह है, बुकलेट वगैरह है, उसमें आप वीएस वाटरमार्क वगैरह या कंपनी के लोगो वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो इनको मुख्तलिफ आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं जितना भी करना चाहते हैं। ये देखिए, ताकि दूसरे में मिक्स ना नजर आए। ये देखिए, इनको मजीद कीजिए। अब ये मजीद भी कर सकते हैं जहाँ से आप करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से, जितना भी आप इसका करना चाहते हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट वगैरह यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, जितना भी अब मैं ट्रांसपेरेंट करूँगा उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा ये। अब ये कलर जो है वो दूसरे में मिक्स होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इस तरह वीएस आपने प्रैक्सेट करनी है, मुख्तलिफ प्रैक्सेट इसकी कीजिए, डिफरेंट आपने ऑब्जेक्ट बनाना है उनकी प्रैक्सेट कीजिए। प्रैक्सेट करने से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है ड्राइंग वगैरह में। अक्सर हमने आईडी कार्ड वगैरह वीएस देखे होंगे, इस तरह बिजनेस कार्ड वगैरह, विजिटिंग कार्ड वगैरह जो होते हैं, या कंपनी के मुख्तलिफ वीएस बैनर होते हैं, लोगो होते हैं, या इस तरह इश्तेहार जो होते हैं, उनमें वीएस अक्सर हम पीछे वाटर मार्क सा दिखाई देता है, उसमें कोई हमारा नेम भी होता है या इसी तरह से कंपनी का लोगो वगैरह बना होता है, या दोनों ही होते हैं। तो इस तरह आपने बनाने होते हैं, ऐड करने होते हैं। आप प्रैक्सेट कीजिए वीएस, अगर कोई सीखना चाहता है दूसरे को शेयर कर दे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।